नमस्कार बच्चों, पिछले वीडियोस में हमने अनिश्चित समाकलन को किया था, यानी इनडेफिनिट इंटीग्रल को हमने किया था। अब इस वीडियो में हम निश्चित समाकलन के बारे में बता रहे हैं, यानी डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि आपने पहले देखा था, अनिश्चित समाकलन कोई फलन एफएक्स है, उसका डीएक्स के सापेक्ष समाकलन जो करते हैं, उसमें हमें करने पर एक फलन एफएक्स लेट सपोज प्राप्त होता है। माना इस तरह का फलन हमें प्राप्त होता है, तो एक फलन हमें प्राप्त होता था और उसमें भी विद सी आता था। यानी एक तरह से ये एक फलन का क्लास होती है या फलनों की क्लास होती है, तो इस तरह से फलन हमें प्राप्त होते थे अनिश्चित समाकलन द्वारा निकालने पर। चूंकि सी का मान बदलते ही ग्राफ भी बदल जाता था और सी का कोई भी मान हो सकता था, तो इसलिए ये कोई एक पर्टिकुलर खास फलन ना होके उस समूह, उस फैमिली को डिनोट करता है, उस फलन की फैमिली को डिनोट करता है। यानी बहुत सारे फलनों का एक ग्रुप को ये डिनोट करता है। ये क्या चीज थी आपकी? इनडेफिनेट इंटीग्रल, यानी अनिश्चित समाकलन। लेकिन निश्चित समाकलन को कैसे लिखा जाता है? वो होगा a टू b एफ एक्स डी एक्स। अब इस a टू b क्या है? ये इसकी लिमिट होती है, यानी a से b तक इसकी सीमा होती है। तो ये जो इस रूप में अगर लिखा गया तो ये कहलाता है निश्चित समाकलन। और बेसिकली ये पूरा की पूरा किसी एक संख्या को प्रदर्शित करता है। कोई भी एक संख्या क्या इसके बराबर क्या होता है? एक संख्या के बराबर होता है। तो ये जो चीज़ होती है, ये कोई एक फलन निकल के नहीं आएगा। या अनिश्चित समाकलन जब कभी उसी फलन का हम ले रहे हैं, तो वो जो रिजल्ट आएगा वो एक पर्टिकुलर संख्या, एक खास संख्या आएगी। और वो मान क्या होता है वो मैं अभी आपको बताऊंगी। लेट सपोज ये मान k आ रहा है, तो बेसिकली ये रिप्रेजेंट क्या करता है कि अगर एक फलन एफ एक्स है और उसका इंटीग्रल, अगर फलन एफ एक्स है तो उसका इंटीग्रल, यानी ये वाला पूरा डेफिनेट इंटीग्रल, ये x बराबर a मान है, ये x बराबर b मान है, a और b x के मान हैं, एफ एक्स डी एक्स जब लेंगे, फिर x को एक बार a रखेंगे एक बार b रखेंगे, क्या रिजल्ट आएगा, कैसे नजर आएगा, वो अलग बात है। लेकिन बेसिकली ये चीज़ क्या प्रदर्शित करती है कि एफ एक्स, ये कोई एक फलन एफ एक्स है और x बराबर a और x बराबर b, ये x के मान हैं, x को जो दिए गए मान हैं, ये लोअर लिमिट कहलाती है, यानी कि निम्न सीमा, और ये अपर लिमिट कहलाती है, यानी उच्च सीमा। तो ये लोअर लिमिट से अपर लिमिट, तो x बराबर a, लोअर लिमिट a का मान b से छोटा है, तो ये पूरा की पूरा कायदे में इस फलन x एक्सिस, x बराबर a और x बराबर b के बीच में जितना भी ये क्षेत्र आ रहा है, उसका जो क्षेत्रफल है, इस हिस्से के क्षेत्रफल को डिनोट करता है। तो k बेसिकली क्या है? k इस क्षेत्रफल का, इस क्षेत्र का, इस रीजन का, यहाँ से यहाँ तक x एक्सिस और इसके बीच का जो क्षेत्रफल है, उसका मान है। तो ये एक मान को डिनोट करता है, जबकि अनिश्चित समाकलन एक फैमिली ऑफ फंक्शंस को डिफाइन करता है। तो दोनों में इतना फर्क है। अब आते हैं कि ये इंडेफिनेट इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स निकाला कैसे जाए, निकालने के क्या तरीके हैं। तो इसको निकालने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है सम ऑफ द लिमिट्स, एक होता है योगफल सीमा के रूप में। योगफल सीमा के रूप में यानी समेशन फॉर्म में, समेशन का ये जो साइन है ये किसका होता है? योगफल का साइन होता है। और दूसरा होता है कि अगर एफ एक्स का इंटीग्रल एफ एक्स था, कोई फलन एफ एक्स था,
तो ए बी का मतलब होता है एफ बी माइनस एफ ए। यानी अगर इस इंडेफिनेट का मान के था तो ये मान कैसे प्राप्त होगा, या तो योगफल सीमा के रूप में, और इसका मैं अभी फॉर्मूला बताती हूँ कैसे करना है, या फिर इस रूप इस तरीके से। तो दो तरीके से निकालेंगे। तो पहला जो पार्ट है वो योगफल सीमा के रूप में है, आगे की एक्सरसाइज इंटीग्रल का प्रयोग करते हुए हमें ये मान निकालना है। तो बेसिकली लिमिट ए से बी एफ एक्स डी एक्स किस चीज़ को प्रदर्शित करता है, ये फलन एक्स एक्सिस और एक्स बराबर ए और एक्स बराबर बी के बीच में जो हिस्सा कवर है उसके क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है। उस क्षेत्रफल को निकालने के दो तरीके होते हैं, एक तो होता है योगफल सीमा के रूप में, या फिर यानी समेशन का तरीका, या फिर दूसरा तरीका जो होता है वो होता है आपका कि इसका पहले तरीके जिस तरह से आप इंटीग्रल निकालते थे, अनिश्चित समाकलन निकालते थे वैसे निकालेंगे, और फिर ये अपर लिमिट एक्स की जगह अपर लिमिट फलन यानी अपर लिमिट पर फलन का मान निकालेंगे, माइनस उसमें से लोअर लिमिट का जो मान है वो घटा देंगे। तो ये तरीका होगा। तो पहले हम आते हैं योगफल सीमा के रूप में कि ये कैसे निकलेगा, इसका क्या तरीका है। अब आते हैं योगफल की सीमा से निश्चित समाकलन निकालना। इसका क्या मतलब है, फिर आती हूँ उसी क्वेश्चन पे। एफ एक्स आपका एक फलन है, x बराबर a, ये है x बराबर b, ये लाइन है। तो x बराबर a पर लाइन खींचिए, x बराबर b पे, तो ये एरिया हमें निकालना है। अब ये एरिया कैसे निकाला जाएगा वो आप देखेंगे। हम इस पूरे एरिया को छोटी छोटी स्ट्रिप्स में काट देते हैं, एक दो तीन ऐसे करके छोटी छोटी, और प्रत्येक स्ट्रिप की जो चौड़ाई है, ये सारी जो चौड़ाई है वो एच है। ये एच है, ये एच है, ये एच है। तो यहाँ एक्स बराबर ए है, तो ये वाला जो मान है ये कितना होगा, ए प्लस एच होगा। यहाँ पर एक्स का मान क्या होगा, ए प्लस एच। फिर यहाँ पर इस वाले पर मान होगा एक्स बराबर ए प्लस टू एच, क्योंकि यहाँ तक का हिस्सा ए था, इसमें h जुड़ा तो ये वाला हिस्सा बना a प्लस h, और यहाँ पर बनेगा a प्लस h प्लस h कितना हुआ, a प्लस टू एच। इसी तरह से अगला हिस्सा होगा a प्लस h प्लस h प्लस h a प्लस थ्री एच, और इस तरह से ये सारी की सारी इस तरह से पट्टियाँ तोड़ते चले जाएंगे। और इस पूरे का एरिया निकालने का तरीका होता है, हर एक एरिया का, हर एक पट्टी का एरिया निकाला, क्षेत्रफल निकाला और उनका योग किया। तो ये तरीका इसका होता है। तो अब हमने सारी की सारी पट्टी एच एच चौड़ाई की काट ली है। अब हम किसी खास जगह, हम मान लीजिए यहाँ पर आते हैं, ये खास जगह पर आप देख रहे हैं, एक पट्टी उठा ली, कोई भी एक पट्टी उठा ली एट रैंडम, पहली आखिरी में, और ये पट्टी की चौड़ाई एच है, और ये हिस्सा आपको दिख रहा है ये ऐसा सा आ रहा है। अब अगर हम और थोड़ा सा इस पे हम ध्यान से देखते हैं, तो ये हिस्सा, ये चूंकि गोलाई लिए है, ये यूं कह लो ये यूं है, यूं थोड़ा आगे बढ़ता हुआ यूं है। तो मैंने यहाँ से एक लाइन पैरेलल खींची इधर से, तो ये लेट सपोज ए बी, और ये बिंदु था सी, और यहाँ से एक लाइन जो खींची ये है ए बी सी डी। तो ए बी सी डी का हमें ए बी डी सी का हमें क्षेत्रफल निकालना है। अब ये शेप ऐसी सी है, ये ए बी सी और डी, सी बिंदु किस पर है, कर्व के ऊपर, और डी बिंदु भी कर्व के ऊपर है। अब हमने क्या किया कि सी से एक लाइन खींची ए बी के पैरेलल, और ये मान, ये नाम दे दिया एल। ऐसे ही डी से एक लाइन खींची ए बी के पैरेलल, तो बेसिकली हमें ए बी डी सी का एरिया निकालना है। तो
तो हमने यहाँ से एक पैरेलल लाइन खींची और फिर एक यहाँ से पैरेलल लाइन खींच के इसको बढ़ाया, ये मान दे दिया हमने एम। तो जो हमें ए बी डी सी का एरिया निकालना था, एरिया ऑफ ए बी डी सी आप देख रहे हैं, ये ए बी एल सी जो रेक्टेंगल है यानी आयत है, आयत ए बी एल सी से मतलब का एरिया, एरिया ऑफ ए बी एल सी छोटा है ए बी डी सी से, और ए बी डी सी का एरिया छोटा है किससे, एरिया ऑफ ए बी डी एम, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो एरिया ऑफ ए बी एल सी यानी, और ये क्या है रेक्टेंगल यानी आयत, इस आयत का एरिया और इस बड़े वाले आयत का एरिया, इसके बीच में उसका एरिया है जो हमें निकालना है, ये हम जानते हैं। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो दूरी है ये h है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेट सपोज कितनी थी, xr थी, या हम कहते हैं इसे n पट्टियों में, हमने ये टोटल कितनी पट्टियों में तोड़ लिया, हमने n पट्टियों में काट लिया, टोटल पट्टियाँ अगर गिनते हैं तो ये n है। तो यहाँ से यहाँ तक ये b, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी b माइनस a, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी b माइनस a, और इसे टोटल n पट्टियों में हमने काटा है, तो एक एक पट्टी की चौड़ाई जिसको हम h मान के चल रहे थे वो कितनी होगी b माइनस a अपॉन h, तो h का मान कितना हो गया b माइनस a अपॉन n। अब हम यहाँ आते हैं इस पर्टिकुलर जगह पर, मान लीजिए यहाँ पर x ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है लेट सपोज, और तो ये जो मान होगा वो कितना होगा fx होगा। अब अगर आप बात करें जैसे जैसे अगर ये हमने n पट्टियाँ काटी थी, अब हम ये कहते हैं जब n कितना हो जाएगा इन्फिनिटी की तरफ बढ़ेगा, यानी पट्टियाँ बहुत पतली काटते चले गए, यानी n का मान कहाँ बढ़ गया इन्फिनिटी की तरफ, जितनी पतली पट्टियाँ कटेंगी उतनी ही ज़्यादा पट्टियाँ होंगी, तो इसका मतलब n का मान कहाँ तक बढ़ा इन्फिनिटी की तरफ, तो h का मान कहाँ तक बढ़ेगा की तरफ बढ़ेगा ज़ीरो की तरफ। कहने का मतलब है जब ये चौड़ाई छोटी होती जाएगी, ये चौड़ाई यानी इतनी दूर ना होके मान लो यहाँ आ जाएगी और पास आ जाएगी और पास आ जाएगी, तो आप ये देखेंगे कि जो ये वाला जो आपका रेक्टेंगल था, जब ये यूँ पास आएगा और तो आप देखेंगे, और ये वाला जो रेक्टेंगल है ये भी पास आएगा, तो आप ये देखेंगे इन तीनों के एरिया में, इन तीनों के एरिया में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा। कहने का मतलब है जब h टेंड्स टू ज़ीरो यानी पट्टी की चौड़ाई बहुत बहुत छोटी हो जाएगी, तो ये जो एरिया हमें चाहिए था इसका एरिया, ऊपर वाला जो रेक्टेंगल है इसका एरिया, और नीचे वाला जो रेक्टेंगल है इसका एरिया ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बराबर होगा। तो कहने का मतलब जब हमें इस एरिया ऑफ ए बी सी डी जो निकालना है, ए बी डी सी जो निकालना है, वो बेसिकली क्या हो जाएगा, वो एरिया ऑफ ए बी सी एल या ए बी डी एल, क्योंकि डी और सी बिंदु बहुत पास पास आ जाएंगे, और मान लो यहाँ आ गए तो ऐसी स्थिति में एम बी यहाँ आ गया, एल बी यहाँ आ गया, और पास करेंगे तो सी और डी ऑलमोस्ट क्या आ जाएंगे, बहुत पास पास, यानी ये जो दूरी है ये अपने आप कम होती चली जाएगी, ये दूरी कम होती चली जाएगी, जब ये कम होगा तो ये भी कम होगा, तो कहने का मतलब सी डी एल के पास आ जाएगा, तो ऐसी स्थिति में इसका एरिया ऑलमोस्ट किसके बराबर हो जाएगा, ए बी एल सी के, और ए बी एल सी का जो सूत्र कैसे एरिया कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, ये दूरी कितनी एच, और यहाँ पर इसकी जो लंबाई है वो कितनी है एफ एक्स, तो इसलिए इस पट्टी का एरिया कितना हुआ एच इंटू एफ एक्स। अब ये कौन, ये आपकी दूरी, ये हमने x मान ली थी यहाँ से यहाँ तक, अब हमने कहा कि यहाँ से यहाँ तक हमने इनको छोटी छोटी पट्टियों में तोड़ा है, तो ये मान a, a प्लस h, ये कोई लेट सपोज आर वी पट्टी है हमारी, ये पहली पट्टी, ये दूसरी, ये तीसरी, चौथी, तो हमने कोई आर वी पट्टी मानी, तो आर वी पट्टी में ये क्या है a, पहली पट्टी जब ख़त्म हो रही है दूसरी पट्टी शुरू हो रही है, तो वो क्या होगा a प्लस h,
तीसरी पट्टी जब शुरू हो रही है कितना होगा उसकी उसका मान कितना होगा a प्लस टू एच, तो इसमें से आरवी पट्टी जब शुरू हो रही है तो उसका मान होगा a प्लस एन माइनस वन इंटू एच, सॉरी r माइनस वन इंटू एच। ये कौन सी है? आरवी पट्टी। तो ये पहली एक पट्टी का निकला। इसी तरह से जब हर पट्टी को लेते हुए चलेंगे, हर पट्टी का निकालेंगे, तो आपका जो एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल आ जाएगा। अगर मैं सभी पट्टियों की बात करूं तो पहली पट्टी के लिए अगर आप देखेंगे इसका एरिया होगा h गुणा एफ ए, अगली पट्टी के लिए चौड़ाई हमेशा h ही रहेगी एफ ए प्लस एच, अगली पट्टी के लिए h एफ ए प्लस टू एच, और इस तरह से चलते चलते आखिरी पट्टी में होगा एफ एच इंटू ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। तो ये एरिया ऑफ ए बी सी डी, यानी ये तो सिर्फ एक का था, तो एरिया इस पूरे का एरिया क्या होगा? इस पट्टी का एरिया यानी ये प्लस अगली पट्टी का एरिया ये प्लस इस पट्टी तीसरी पट्टी का एरिया ये, तो चौथी और आखिरी, और आखिरी पट्टी कौन सी हुई? एन माइनस वन इंटू एच, इसका एरिया ये होगा। और इसी को ही आप रिप्रेजेंट किससे करेंगे? ए टू बी एफ एक्स डी एक्स से। तो बेसिकली ये समेशन का तरीका होता है। तो ये आपको कंसेप्ट समझाया, लेकिन आपको इतना एग्जाम में कुछ लिखना नहीं है, आपको सिर्फ एक सूत्र का प्रयोग करना है, और वो सूत्र ये है जो मैंने आपको लिखवाया है। और ये सूत्र ये कहता है कि ए टू बी, मतलब ये आपका ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, यानी जो एरिया है वो इनका समेशन है, प्रोवाइडेड दैट कि h का मान क्या हो रहा है? जीरो की तरफ बढ़ रहा है। तो यहाँ लिमिट ली जाएगी h टेंड्स टू जीरो। तो कुल मिला के जो सूत्र बन के आता है आपका ए टू बी एफ एक्स डी एक्स का सूत्र आता है लिमिट h टेंड्स टू जीरो h इंटू एफ ए प्लस h इंटू, या h सब में से बाहर ले लो, कॉमन ले लिया, एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस टू एच, और एनवी जो पट्टी है उसकी, ये पहली पट्टी में a था, दूसरी पट्टी में a प्लस एच है, तीसरी पट्टी में a प्लस टू एच है, तो इस हिसाब से एनवी पट्टी जो आखिरी पट्टी है उसमें होगा a प्लस एन माइनस वन इंटू एच। तो इस सूत्र से अगर आप लिमिट निकालते हैं, यानी एरिया निकालते हैं, तो उसका मान इस डेफिनेट इंटीग्रल के बराबर ही होगा। तो ये वाली जो एक्सरसाइज है उसमें यही फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे। फर्दर ये तो आपका एच में था, आप चाहो तो इसको एन में भी बना सकते हो। तो अगर मैं एच की जगह एन में लाना चाहूँ तब भी हम इसको, अगर एच टेंड्स टू जीरो हो रहा है तो एन किस की तरफ बढ़ रहा है? इन्फिनिटी। तो या तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और याद रखने की बात है एच कितना है? बी माइनस ए अपॉन एन, राइट? एच का मान है, और एच के फॉर्म में ये आएगा, या फिर अगर आप एन के रूप में लिखेंगे तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो को एन में लाओगे तो एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, एच की जगह बी माइनस ए अपॉन एन, और ये होगा एफ ए, ये होगा एफ ए प्लस एच की जगह बी माइनस ए अपॉन एन प्लस एफ ए प्लस टू इंटू बी माइनस a अपॉन n, और इस तरह से करते करते लास्ट में एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू बी माइनस ए अपॉन n। तो या तो ये वाला सूत्र प्रयोग करेंगे या आप ये वाला सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से ये आप निकालेंगे, और इसी पर बेस्ड है आपकी अगली एक्सरसाइज। और ये एक्सरसाइज मैं आपको बताती हूँ, ये एक्सरसाइज है आपकी 7.8। कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे ये आप देखेंगे, तब आपको समझ आएगा। तो ये सिर्फ आपका एक्सप्लेनेशन था, इसको याद नहीं करना है, सिर्फ समझने की कोशिश करनी है, और सीधा इससे कुछ लेना देना नहीं है। जब आप फॉर्मूला लगाओगे, आपसे कहा कहते हैं कि योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन को हल कीजिए, तब आप तो या तो ये वाला फॉर्मूला या ये वाला, इनमें से यानी एन के रूप में या एच के रूप में आप फॉर्मूला लगाएंगे। तो आप इसे कैसे करेंगे ये देखेंगे। 7.8 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1।
आते हैं प्रश्न नंबर वन पर। प्रश्न नंबर वन कहता है आपको जो इंटीग्रल निकालना है, निश्चित समाकलन निकालना है, वो ए टू बी एक्स डी एक्स। तो यहाँ जो फलन है एफ एक्स वो हो गया, उसका मान हो गया एक्स, तो एफ एक्स कितना हो गया एक्स। अब जो सूत्र हमने बताया था, सूत्र मैं यहाँ फिर से मेंशन कर देती हूँ, जो सूत्र मैंने बताया था, दो सूत्र बताए थे एन के रूप में या फिर एच के रूप में। मैं एच के रूप में आपको सूत्र मैंने आपको बताया था, ए बल्कि से एफ एक्स डी एक्स ही रखेंगे और यहाँ पर ये ए टू बी एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो ये आपका सूत्र था ए टू बी एफ एक्स डी एक्स कितना था, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एच इंटू एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस टू एच प्लस अप टू डैश 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 कहाँ तक, एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। ये सूत्र अभी मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पर एफ एक्स का मान कितना है एक्स है, तो एफ ए का मान कितना होगा, एक्स की जगह ए रखने पर कितना आएगा ए। एफ ए प्लस एच का मान क्या होगा, एक्स की जगह ए प्लस एच रखने पर यहाँ भी ए प्लस एच आया। एफ ए प्लस टू एच का मान एक्स की जगह क्या रखोगे, ए प्लस टू एच, तो यहाँ भी क्या आएगा ए प्लस टू एच। और इस तरह से ये आखिरी होगा, एक्स की जगह क्या रखा है ए प्लस एन माइनस वन एच, तो यहाँ पर एक्स की जगह क्या आएगा ए प्लस एन माइनस वन इन टू एच। तो इस तरह से एफ एक्स की जगह एक्स रखते ही एफ ए की जगह ए आ गया, एफ ए प्लस एच की जगह ए प्लस एच आ गया, एफ ए प्लस टू एच की जगह ए प्लस टू एच आ गया, एंड सो ऑन। और अंत में एफ ए प्लस एन माइनस वन एच की जगह ए प्लस एन माइनस वन इन टू एच आ गया। अब इसे सॉल्व करेंगे, आपको पता है ये कुल मिलाकर कितने पद हैं, एन पद हैं। अभी मैंने बताया था पहले पद में ए प्लस जीरो एच है और एनवे पद में ए प्लस एन माइनस वन एच है। तो कुल मिलाकर ये कितने पद हो गए, एन पद हो गए, और सब में ए आ रहा है, ए सभी में आ रहा है एक एक बार। तो इन सभी ए को जब जोड़ेंगे तो ए एन बार जुड़ेगा, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए कितनी बार, एन बार। तो ये बन जाएगा एन इंटू ए। अब एच वाले पद इकट्ठे रखेंगे तो ये एच है, ये टू एच है, अगला वाला इससे जो आता वो थ्री एच होता, उससे अगला फोर एच आता, एंड द लास्ट क्या आता एन माइनस वन इंटू एच आता। तो इस तरह से ये एन ए हो गया प्लस, अब इन सब में से हमने h बाहर निकाल लिया तो यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 4 आगे एंड सो ऑन, और यहाँ आखिर में बचा n माइनस 1। और अब आपको याद हो ये है पहले n माइनस 1 प्राकृतिक संख्याओं का समूह का योग। इसको आपको याद हो, मैंने पिछले साल आपको बताया था स्पेशल इंटीग्रेशन में, इसको आप सिग्मा एन के नाम, सिग्मा एन क्या होता था 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू एन होता था। तो इसी तरह से अगर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 तक का योग है तो इसे आप सिग्मा 5 के नाम से जानते थे। इसी तरह से अगर ये एन की जगह ना होकर एन माइनस 1 तक जा रहा है 1 से स्टार्ट होकर, तो ये क्या कहलाएगा, सिग्मा एन माइनस 1 कहलाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पर है, इसको हम कह देते हैं सिग्मा एन माइनस 1। और सिग्मा एन का योग क्या, आपका ये जो योग निकालते थे सिग्मा एन का सूत्र आपको याद हो क्या निकाला करते, एन इंटू एन प्लस वन बटे दो। इस केस में एन की जगह क्या है, एन माइनस वन है, सिग्मा एन माइनस वन है। तो जहाँ जहाँ एन होगा वहाँ वहाँ क्या रखोगे, एन माइनस वन रखोगे। तो यहाँ रखा आपने एन माइनस वन और यहाँ रखा एन माइनस वन, एन माइनस वन प्लस वन रह गया एन। तो इस तरह से सिग्मा एन माइनस वन का मान क्या आएगा, एन माइनस वन इंटू एन बटे दो। अब एच क्या है, आपके इस सूत्र के हिसाब से एच हमने बताया था, एच क्या है बी माइनस ए अपॉन एन। तो जब आपका एच से यहाँ पर ये आपका आ गया, एच से गुणा किया एच इंटू एन इंटू ए प्लस एच स्क्वायर सिग्मा एन माइनस वन। अब एन एच का मान एच कितना है, बी माइनस ए अपॉन एन, तो एन इधर निकल गया, तो एन इंटू एच का मान कितना हुआ बी माइनस ए, तो एन एच की जगह रखा बी माइनस ए इंटू ए प्लस एच स्क्वायर, और इसका मान अभी हमने बताया एन माइनस वन इंटू एन बटे दो। अब हम एन भी आ गया एच भी आ गया, लिमिट सिर्फ एच की जा रही है, तो एन को ख़त्म करना है हमें। तो हमने क्या किया, दो एच स्क्वायर थे, एक एच तो एन के साथ लगा दिया एन एच बना दिया, और एक एच इसके अंदर गुणा कर दिया। तो ये एच जब इसके साथ गुणा हुआ तो एच एन माइनस एच।
अब जहाँ जहाँ एन एच है वहाँ हमने बी माइनस ए का मान रख दिया, तो ये बी माइनस ए पहले आ चुका था, यहाँ एन एच की जगह बी माइनस ए, यहाँ भी हमने बी माइनस ए माइनस एच बटे दो। और अब हम लिमिट लेंगे, यानी जहाँ एच है वहाँ ज़ीरो रखेंगे, एच को ज़ीरो रखने पर जो लिमिट आएगी ये तो ऐसे की ऐसे आ गया, प्लस इसको ज़ीरो रखते ही आ गया बी माइनस ए इंटू बी माइनस ए अपॉन टू। तो लिमिट लेने पर यानी एच को ज़ीरो रखने पर आपके पास ये प्राप्त हुआ। अब आप इसको हल करेंगे, इन दोनों में से बी माइनस ए बाहर निकाल लिया, ए यहाँ बचा, प्लस यहाँ बी माइनस ए बटा दो बचा, इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेके टू ए प्लस बी माइनस ए बटा दो आ गया, बी माइनस ए हो गया बी प्लस ए बटा दो, और इसका मान आया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे दो। तो इस तरीके से आपका ये योगफल की सीमा के रूप में ये आपका निश्चित समाकलन निकलेगा। जो दूसरा तरीका है जो अगली एक्सरसाइज में हम करेंगे, वो अगर उसका तरीका ये होता कि पहले हम भूल जाएंगे कि ये क्या है, आप सिर्फ इसको अनिश्चित समाकलन की तरह यूज़ करेंगे, तो इसका इंटीग्रल होता है एक्स स्क्वायर बटे दो। और फिर जब ए और बी में लिमिट ली जाएगी, तो तरीका बताया था ऊपर वाले की लिमिट माइनस नीचे वाले की लिमिट। अभी 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 क्वेश्चन जब और करेंगे तब और समझ आएगा, फिलहाल इस सूत्र से निकाल के दिखा रहे हैं, बी स्क्वायर बटे दो माइनस ए स्क्वायर बटे दो, यानी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे दो, दोनों का आंसर सेम है। कहने का मतलब x एफ एक्स बराबर एक्स, एक जो फलन है उसका x बराबर a और x बराबर b तथा x एक्सिस के बीच में जो क्षेत्रफल है उसका मान होगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे। ये था प्रश्न नंबर एक। तो ये वाला तरीका तो अभी नहीं करना है क्योंकि योगफल सीमा में ये वाला तरीका नहीं आता है, ये आगे की एक्सरसाइज में करेंगे हम। लेकिन योगफल सीमा के पे अगर आपको क्वेश्चन दिए जाएं तो आपको ये सूत्र लगाना है, या फिर n टेंड्स टू इन्फिनिटी वो वाला आपको सूत्र प्रयोग करना है। कोई एक सूत्र प्रयोग कर लेंगे n के रूप में या h के रूप में, दोनों सही है, दोनों से क्वेश्चन हो जाएंगे। ये था प्रश्न नंबर एक। आते हैं प्रश्न नंबर दो पर। प्रश्न नंबर दो पर आते हैं। प्रश्न नंबर दो है 0 to 5 लिमिट में x प्लस वन डी एक्स का निश्चित समाकलन। तो यहाँ जो फलन है एफ एक्स हो गया x प्लस वन, लोअर लिमिट a हो गई 0, अपर लिमिट हो गई b हो गई 5। सूत्र आपका था a टू b एफ एक्स डी एक्स लिमिट h टेंड्स टू 0, h इंटू एफ ए प्लस एफ ए प्लस 1h प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस एफ ए प्लस 3h टिल एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू h। ये आपका, अब इसमें a की जगह रखा 0, b की जगह 5, एफ एक्स की जगह रखा x प्लस वन, तो ये हो गया 0 to 5 x प्लस वन डी एक्स, जिसका मान हमें निकालना है, बराबर लिमिट एच टेंड्स टू 0 h, जहाँ जहाँ a था वहाँ वहाँ 0 रखते चले गए, तो ये हो गया एफ ज़ीरो प्लस एफ ज़ीरो प्लस h या 1h, एफ ज़ीरो प्लस 2h, एफ ज़ीरो प्लस 3h टिल एफ ज़ीरो प्लस n माइनस 1h। एफ एक्स था x प्लस वन, तो एफ ज़ीरो का मान होगा 0 प्लस 1, 0 प्लस h का मान होगा x की जगह 0 प्लस h रखने पर होगा 0 प्लस h प्लस 1, तो 0 प्लस 1 f 0 प्लस h का मान हुआ 0 प्लस h प्लस 1 प्लस f 0 प्लस 2h का मान हुआ 0 प्लस 2h प्लस 1 0 प्लस 2h प्लस 1 f 0 प्लस 3h का मान हुआ f 0 कहाँ गया ये a नहीं है 0 है सॉरी 0 प्लस 3h का मान हुआ 0 प्लस 3h प्लस 1, और आखिर में 0 प्लस n माइनस 1h का मान x की जगह 0 प्लस n माइनस 1h आएगा, प्लस 1 सभी में आएगा। तो ये आपका आया, आप देख रहे हैं ये कुल कितने पद थे, n पद थे, सभी में प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 आएगा। तो अगर सारे 1 को जोड़ लिया एक साथ कितनी बार आएगा, n बार। फिर इसके बाद ये था h, फिर ये था 2h, फिर 3h, फिर 4h, आखिर वाला है n माइनस 1h, इनको एक साथ जोड़ लिया। तो 1 अपने आप से n बार जुड़ा तो ये बन गया n इंटू 1, यहाँ से h कॉमन निकाला, यहाँ बचा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n माइनस 1h, ये आपका सिग्मा n माइनस 1 हुआ, जैसे मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था, और इसका मान हुआ आपका n माइनस 1 इंटू h अपॉन 2, ये हो गया nh, nh h का मान f 5 बटे 9 आया n आया था,
n इंटू एच का मान आया 5, तो nh की जगह 5, ये h एक n के साथ लगा दिया, एक h अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, और जहाँ जहाँ nh है वहाँ उसकी जगह हमने क्या मान रख दिया, 5, 5, और जब अब लिमिट ली तो h को 0 रखने पर ये आया 5 + 25/2 यानी 35/2 यानी 17.5 इकाई, जो भी इकाई होगी, इस क्षेत्रफल का एरिया यानी इस निश्चित समाकलन का मान है। तो बेसिकली आप समझ रहे हैं, एक फलन fx बराबर x+1 है जिसका x = 0, x = 5 और एक्स एक्सिस के बीच में जो क्षेत्रफल है उसका मान होगा 17.5। तो ये था आपका दूसरा वाला प्रश्न। आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 3 को देखेंगे, 2 से 3 लिमिट x²dx, तो यहाँ जो fx होगा वो होगा x², a का मान 2, b का मान 3, तो h जो हम b - a/n मानते थे, b की जगह 3, a की जगह 2, तो 3 - 2/n यानी 1/n यानी h का मान हो गया 1/n। आते हैं सूत्र पे। सूत्र हम हमेशा से वही, a टू b एफ एक्स डी एक्स लिमिट h टेंड्स टू 0, एच एफ ए प्लस ए प्लस एच ए प्लस 2h से लास्ट है एफ ए प्लस एन माइनस 1h, a की जगह 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा f2 + h 2 + 2h बढ़ते बढ़ते 2 + 3h और आखिर में 2 + n - 1h। एफ एक्स आपका x² था, तो f2 जो होगा वो x की जगह क्या रखेंगे आप, x की जगह 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 का वर्ग। जब x की जगह 2 + h रखा गया तो ये हो गया 2 + h का वर्ग, फिर x की जगह 2 + 2h रखा गया तो 2 + 2h का वर्ग, और जब अंत में x की जगह 2 + n - 1h रखा गया तो ये हो जाएगा 2 + n - 1h का पूर्ण वर्ग। तो इस तरह से ये आपका आया, सभी पदों में पहले वाले को छोड़कर सभी पदों में 2-2 पदों का वर्ग है, तो यहाँ सूत्र लगाएंगे हम a + b का पूर्ण वर्ग का सूत्र होता है a² + b² + 2ab। तो इस पहले वाले को छोड़ दें तो a + b² + 2ab 2 × 2 × h, इसको खोला, ये इसको खोला, फिर इसको खोलेंगे a² + b² + 2 × 2 × 2h, और इस तरह से खोलते खोलते अंतिम वाला खुलेगा 2 का वर्ग + n - 1h² यानी n - 1 का स्क्वायर h² + 2 × 2 × n - 1 × h। इस तरह से खुल के आए। अब इसके बाद ये हमें फिर पता है ये कुल कितने पद थे, यहाँ से यहाँ तक कितने n पद थे, तो सभी पदों में 2² सभी पदों में आ रहा है, तो सारे 2² को हमने इकट्ठा कर लिया तो कितनी बार आएगा ये, n बार, तो 2² + 2² + 2² कितनी बार, n बार जुड़ेगा ये। फिर आते हैं, ये h² है, फिर ये 2h² है, तो अगला पद क्या होगा 3h² और फिर अगला 4h² और अंत में n - 1 का स्क्वायर h². इसके बाद 2 × 2h 2 × 2 × 2h, फिर उसके बाद 2 × 2 × 3h और अंत में 2 × 2 × n - 1h। तो सब में से 2 × 2 बाहर निकाला, अंदर बचेगा h + 2h + 3h up to n - 1 × h। ये 2² n बार जुड़ रहा है तो ये हो गया n × 2². यहाँ सब में से h² बाहर निकाला तो यहाँ बचा 1 का वर्ग, यहाँ बचा 2 का वर्g, 3 का वर्ग, अंत में ये है n - 1 का वर्ग। यहाँ से फिर h भी बाहर निकाल लिया तो 2 × 2 = 4 h बाहर आया, यहाँ बचा 1, 2, 3 और अंत में n - 1। इसे कहेंगे σn - 1 का स्क्वायर, ये हमने अंदर गुणा कर लिया n × h, 2 का वर्ग 4, फिर ये हो गया h³, ये होगा आपका σn - 1 का स्क्वायर, फिर h यहाँ गुणा 4h² ये कहलाएगा σn - 1। क्लास 11th में मैंने आपको σn² का सूत्र बताया था ये, और σn का सूत्र बताया था ये,
तो अगर सिग्मा एन स्क्वायर का सूत्र ये है तो सिग्मा एन माइनस वन का स्क्वायर का सूत्र क्या बनेगा, जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ एन माइनस वन डालते चले जाएंगे। तो जहाँ एन था वहाँ एन माइनस वन, यहाँ एन माइनस वन डाला एन माइनस वन प्लस वन रह गया सिर्फ एन, यहाँ एन माइनस वन डाला तो टू एन माइनस टू प्लस वन बन गया टू एन माइनस वन अपॉन सिक्स। इसी तरह से सिग्मा एन माइनस वन की जगह जहाँ जहाँ एन था वहाँ एन माइनस वन डालेंगे, आपको सिग्मा एन माइनस वन का ये आ गया। अब यहाँ से आपको पता है एन इंटू एच का मान हुआ वन, तो एन इंटू एच की जगह रख दिया वन। यहाँ तीन एच हैं, तीन एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ लगाया तो एक एच इसमें गुणा किया तो हो गया एन एच माइनस एच। दूसरा वाला एच एन इस वाले एन के साथ लगाया तो बन गया एन एच, और तीसरा वाला एच यहाँ गुणा किया तो टू एन एच माइनस एच। यहाँ दो एच थे, एक इस एन के साथ लगाया, एक इसके अंदर गुणा किया तो ये हो गया एन एच माइनस एच, और इसके साथ गुणा करके हो गया एन एच। अब जहाँ जहाँ एन एच है वहाँ रखेंगे वन, तो हो गया वन माइनस एच वन, ये लिमिट लेकर अलग निकाल लिया था मैंने। यहाँ हो गया एन एच की जगह वन तो टू माइनस एच, यहाँ एन एच की जगह वन तो टू इंटू वन, ये चार को दो से काट दिया था, एन एच की जगह वन और एन एच की जगह वन और एच की जगह एच। और अब जब लिमिट लेंगे तो एच को ज़ीरो रखने पर ये होगा वन माइनस ज़ीरो इंटू टू माइनस ज़ीरो यानी दो बटा छः, और यहाँ होगा दो, चार प्लस दो छः, दो बटे छः का हो गया एक बटे तीन, जोड़ने पर आ गया नौ बटे उन्नीस बटे तीन। ये था आपका प्रश्न नंबर तीन। प्रश्न नंबर चार पर आएंगे। प्रश्न नंबर चार है लोअर लिमिट एक अपर लिमिट चार, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स का डेफिनेट इंटीग्रल यानी निश्चित समाकलन। यहाँ जो फलन एफ एक्स है वो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, लोअर लिमिट ए बराबर वन है, अपर लिमिट हो गई चार, तो एच जिसको जिसका सूत्र बी माइनस ए बटे एन था हो गया चार माइनस एक बटे एन यानी तीन बटे एन। आपका सूत्र होता है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स का, हर बार मैं सूत्र लिख रही हूँ, धीरे धीरे सूत्र याद हो जाएगा। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एच एफ ए प्लस ए प्लस एच ए प्लस टू एच कहाँ तक एफ ए प्लस एन माइनस वन एच तक। ए का मान वन रखा, बी का मान चार रखा तो वन सिर्फ चार एफ एक्स डी एक्स, तो जहाँ जहाँ ए था वहाँ वहाँ वन रखते रहे, बाकी सब चीज़ें अपनी जगह हैं, एफ वन प्लस एफ वन प्लस एच एफ वन प्लस टू एच एंड सो ऑन टिल लास्ट एफ वन प्लस एन माइनस वन इन टू एच। अब एफ एक्स का मान आपने एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रख दिया यहाँ, तो यहाँ भी जब एफ एक्स आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स था तो एफ वन कितना होगा वन का स्क्वायर माइनस वन, वन प्लस एच कितना होगा वन प्लस एच का वर्ग माइनस एक्स की जगह वन प्लस एच, फिर वन प्लस टू एच कितना होगा वन प्लस टू एच का वर्ग यानी एक्स का वर्ग का मतलब एक्स की जगह वन प्लस टू एच आ रहा है तो उसका वर्ग माइनस एक्स की जगह वन प्लस टू एच, और अंत में जब एक्स की जगह वन प्लस एन माइनस वन एच आ रहा है तो यहाँ होगा वन प्लस एन माइनस वन एच का वर्ग माइनस इसकी जगह वन प्लस एन माइनस वन इन टू एच। ये आपका आया यहाँ तक, ये आपको समझ आ गया होगा। अब आप देख रहे हैं सभी पदों में दो दो पद हैं, दो दो पद है, पहला पद वर्ग के रूप में है, बीच में माइनस का निशान है सभी में, तो हमने सारे प्लस वाले पद एक साथ ले लिए, माइनस वाले एक साथ ले लिए, तो वन का वर्ग वन प्लस एच का वर्ग वन प्लस टू एच का वर्ग और अंत में वन प्लस एन माइनस वन एच का पूर्ण वर्ग, ये सब हमने एक साथ इकट्ठे कर लिए। जो सेकंड सेकंड पद थे वो सब माइनस के साथ थे तो उनमें से सब में से माइनस बाहर निकाल लिया, इसमें से इसमें से इसमें से और इसमें से, तो जब माइनस बाहर निकाला सबका कॉमन माइनस बाहर निकल गया तो अंदर प्लस में आ जाएंगे, तो ये होगा वन, ये होगा वन प्लस एच, ये वाला होगा माइनस बाहर जाने पर वन प्लस टू एच, और अंत में ये वाला जो था माइनस बाहर जाने पर वन प्लस एन माइनस वन इन टू एच। वापिस आएंगे, अब इन्हें खोलेंगे, जो जो ये वर्ग में थे तो वही सूत्र ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो इसको खोला वन का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर प्लस टू एच,
इसको खोला, 1 का स्क्वायर प्लस 2h का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2h, 2 इंटू 1 इंटू 2h। इसी तरह से तीसरा, अगर यहाँ 1 प्लस 3h का वर्ग होता तो उसे भी खोल दिया, 1 का स्क्वायर प्लस 3h का वर्ग प्लस 2 इंटू 1 इंटू 3h। और फिर अंत वाला, इसका वर्ग खुला 1 का स्क्वायर एन माइनस 1h का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू एन माइनस 1 इंटू एच। ये था, फिर ये वाला माइनस। अब इसमें सब पदों में, ये n पद है, सब में 1 1 1 आ रहा था, सब में 1 1 आ रहा था, तो n बार 1 आया। बाकी में h प्लस 2h प्लस 3h टिल n माइनस 1h तक हमने ये रख दिया। अब आएंगे फिर से, अब ये 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर सभी पदों में खोलने पर आया था, आप देख रहे हैं। तो 1 स्क्वायर हर एक पदों में था, सबके में 1 स्क्वायर आया, तो ये n बार 1 स्क्वायर आ गया। फिर एच स्क्वायर वाले पद, एच स्क्वायर, 2h का होल स्क्वायर, 3h का होल स्क्वायर, n माइनस 1 का होल स्क्वायर, उन सब में से एच स्क्वायर कॉमन निकाला तो बना 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर टिल लास्ट में n माइनस 1 का स्क्वायर। फिर 2h, 2 इंटू 2h, 2 इंटू 3h, 2 इंटू n माइनस 1h, में से 2h बाहर निकाल लिया, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 3 और यहाँ बचा n माइनस 1। ये वाला माइनस 1 से ऐड होगा n बार, तो ये हो गया 1 इंटू n, और इनमें से h कॉमन निकाला तो यहाँ बचा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n माइनस 1। इस तरह से ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 जब n बार जुड़ेगा तो ये हो गया n इंटू 1। ये h स्क्वायर, ये हो गया सिग्मा n माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2h, ये हो गया सिग्मा n माइनस 1, ये वाला माइनस ब्रैकेट में n, और ये h इंटू ये भी हो गया सिग्मा n माइनस 1। अब जब इसे खोला तो ये h, ये n, ये 2h, ये जब खोल लिया तो माइनस n और ये माइनस h इंटू n माइनस 1, तो 2h इंटू सिग्मा n माइनस 1 माइनस एच इंटू सिग्मा माइनस एन माइनस वन बचा 1 का, दो में से एक गया तो 1 एच सिग्मा एन माइनस 1, और ये माइनस एन से प्लस एन भी कट गया, तो आपके पास सिर्फ ये दो रह गए। ये बाहर वाला एच, इसमें गुणा हुआ एच क्यूब, सिग्मा एन माइनस 1 की घात 2 को लिखा एन माइनस 1 इंटू एन इंटू 2 एन माइनस 1 बटे 6, वही सिग्मा एन का सूत्र लगाकर, सिग्मा एन स्क्वायर का सूत्र लगाकर, और इसकी जगह सिग्मा एन का सूत्र लगा एन माइनस 1 इंटू एन बटे 2, ये एच अंदर गुणा हुआ तो एच स्क्वायर बन गया। तीन एच थे, एक एच इसमें, एक एच इसमें, एक एच इसमें, तो ये हो गया एन एच माइनस एच, ये हो गया एन एच, और ये हो गया 2 एन एच माइनस एच बटे 6, और यहाँ दो एच थे, एक एन एच एन के साथ लग गया, एक अंदर गुणा कर दिया एन एच माइनस एच। और अब जहाँ जहाँ एन एच है, एन एच है, वहाँ क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, एन एच की जगह 3, सब जगह, हर जगह एन एच की जगह 3 रखा। और अब जब एच को 0 रख के लिमिट लगाया तो यहाँ 0, यहाँ 0, तो ये हो गया 3 × 3 × 6 बटे 6, और ये हो गया 3 × 3 बटे 2, 6 से 6 कटा, 3 तिया 9 प्लस 9 बटे 2, 9 दुनी 18 प्लस 9 27 बटे 2 आपका उत्तर आएगा। ये तो ये था प्रश्न नंबर आपका 4। आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 है, माइनस 1 से 1 e की पावर x dx, इसमें फलन है e की पावर x, लोअर लिमिट a है माइनस 1, अपर लिमिट b है 1, तो h जो कि b माइनस a बटे n होता था, b की जगह 1, a की जगह माइनस 1, तो 1 माइनस माइनस 1, 1 प्लस 1 बटे n, यानी 2 बटे n। सूत्र हर बार की तरह वही लगाया, ए की जगह माइनस 1, बी की जगह माइनस 1 रखने पर आपका यह आया माइनस 1 एफ ए माइनस 1 प्लस एच, एफ माइनस 1 प्लस 2h, एफ माइनस 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। और अब एफ माइनस 1 का मान x की जगह माइनस 1 रखेंगे तो e की पावर माइनस 1 आया, एफ माइनस 1 प्लस एच का मान, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ माइनस 1 प्लस एच रखने पर आया e की पावर माइनस 1 प्लस एच, 1 a प्लस 2h, मतलब माइनस 1 प्लस 2h पर रखेंगे e की जगह
एक्स की जगह माइनस वन प्लस टू एच और अंत में ई की पावर माइनस वन प्लस एन माइनस वन इन टू एच। बाकी चीज़ें अपनी जगह ऐसी की ऐसी, इन्हें थोड़ा ई की पावर माइनस वन था, इसे थोड़ा ई की पावर माइनस वन इन टू ई की पावर एच, इसे थोड़ा ई की पावर माइनस वन इन टू ई की पावर टू एच और अंत में ई की पावर माइनस वन इन टू ई की पावर एन माइनस वन इन टू एच। ये आया आपका, यहाँ से सब में से ई की पावर माइनस एन बाहर ले लिया, यहाँ बचा वन, यहाँ बचा ई की पावर एच, ई की पावर टू एच, लास्ट में ई की पावर एन माइनस वन एच बचा। अब इसमें ई की पावर माइनस वन को अपॉन ई कर लिया और इसको फिर से रीअरेंज करके लिखा वन प्लस ई की पावर एच, ये बना ई की पावर एच की पावर टू और ये बन गया ई की पावर एच की घात एन माइनस वन और ये बन गई एक गुणोत्तर श्रेणी। इसमें प्रथम पद ए है, इसमें इस गुणोत्तर श्रेणी में आपका प्रथम पद ए है, आर कितना है ई की पावर एच, आपकी हर बार ई की पावर एच से गुणा कर रहे हैं, अगले आए जा रहा है आपका, और फिर एन पदों का योग जो होगा वो सूत्र लगेगा ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ये वाला सूत्र लगाया एच अपॉन ई। तो एन, ये कुल एन पद थे, प्रथम पद है वन, ए की जगह वन, आर कितना है ई की पावर एच, तो यहाँ आया आर की जगह ई की पावर एच की घात एन माइनस वन अपॉन आर की जगह ई की पावर एच माइनस वन। तो इस सूत्र का प्रयोग करते हुए हमने यहाँ पर ये गुणोत्तर श्रेणी के एन पदों का योग का सूत्र है यहाँ ये लगाया। अब ये एन एच हो गया, जब लिमिट लेंगे ऊपर भी एच है नीचे भी एच है, ऊपर एन एच है, एन एच का मान कितना आ गया आपका टू, तो एन एच की जगह तो आपने टू रख दिया। अब नीचे एच है तो यहाँ हमें सूत्र का प्रयोग करेंगे, लास्ट ईयर जब लिमिट निकाल रहे थे तो हमने एक सूत्र बताया था ई की घात एक्स में, जो सूत्र था आपको याद है, लिमिट निकालते थे, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो ई की पावर एच माइनस वन अपॉन एच का लिमिट होता था वन, यानी जो ई की घात है वही नीचे बना दिया तो इसकी लिमिट वन होती थी। तो यहाँ भी हमारा ये जो रूप था ई की पावर एच माइनस वन था, तो अगर अपॉन एच हो जाता तो अपॉन एच करने के लिए हमने एच से गुणा किया, एच से भाग दिया, एच से गुणा किया, जब एच से गुणा किया तो ये वाला जो एच यहाँ था इससे कट गया। अब ऊपर की, अब आपके पास ये बचा एन एच की जगह दो माइनस वन अपॉन नीचे ई की पावर एच माइनस वन अपॉन एच, वन अपॉन ई बाहर जा चुका था बींग कॉन्स्टेंट। अब ऊपर की लिमिट अलग, नीचे की लिमिट अलग ली, ऊपर एच था ही नहीं, एच को जीरो रखने पर ई स्क्वायर माइनस वन नीचे आ गया और नीचे का जब लिमिट लिया तो ये उस सूत्र से वन आ गया जो भी मैंने आपको बताया। सूत्र कौन सा लगा है यहाँ पर, मैं लिख देती हूँ दोबारा से सूत्र, ई की पावर एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ई की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का मान कितना होता है वन होता है। तो ये वाला सूत्र लगाने पर ये लिमिट हो गई वन, तो ये रह गया ई की घात टू माइनस वन अपॉन ई, जब ई से अलग अलग भाग दिया तो ये हो गया ई माइनस ई की पावर माइनस वन, ये आपका उत्तर आया। ये था प्रश्न नंबर पाँच और अब एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन यानी प्रश्न नंबर छः को करेंगे। अंतिम क्वेश्चन पे आएंगे, प्रश्न नंबर छः, जीरो से चार एक्स प्लस ई की पावर टू एक्स डी एक्स का इंटीग्रल निकालना है योगफल की सीमा के रूप में। तो फलन एफ एक्स हो गया एक्स प्लस ई की पावर टू एक्स, एफ एक्स का मान हो गया एक्स प्लस ई की पावर टू एक्स, लोअर लिमिट जो कि ए बराबर जीरो, अपर लिमिट बी बराबर चार, एच बराबर बी माइनस ए अपॉन एन यानी चार माइनस जीरो बटे एन। सूत्र लगाया ए की जगह जीरो, बी की जगह चार एफ एक्स डी एक्स, तो जहाँ जहाँ ए था वहाँ वहाँ जीरो लगाते रहे, तो जीरो यहाँ एच प्लस टू एच इस तरह से आता रहा। अब एफ एक्स इतना था तो एफ जीरो का मान क्या होगा, जीरो प्लस ई की पावर जीरो, ये एफ जीरो का मान हुआ। एफ एच का मान क्या हुआ, एच प्लस ई की पावर टू एच, ये एफ एच का मान हुआ। एफ टू एच का मान जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ टू एच, टू एच प्लस ई की पावर टू इंटू टू एच, और अंत में एफ ए प्लस एफ एन माइनस वन एच का मान हुआ एक्स की जगह एन माइनस वन इंटू एच प्लस ई की जगह टू इंटू एन माइनस वन इंटू एच। अब
ये तो जीरो था, कोई बात नहीं, ये आपका h प्लस 2h प्लस 3h टिल n माइनस 1h, में से h बाहर ले लिया तो अंदर बचा यहाँ 1, यहाँ 2, अगला 3 और ये अंतिम वाले में n माइनस 1 बचा, प्लस e की पावर 0 को लिखा 1, ये हो गया e की घात 2h, ये हो गया e की घात 4h था, 2 इंटू 2h 4h होता है, इसे लिखा e की घात 2h की घात 2, और अंत में 2 इंटू एन माइनस 1h को हमने लिखा e की घात 2h की घात n माइनस 1। इस तरह से ये h, ये हो गया सिग्मा n माइनस 1, और ये आपकी फिर वही गुणोत्तर श्रेणी बन गई जैसे मैंने बताई थी, गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 1, r का मान e की पावर 2h, तो a इंटू r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 का ही सूत्र लगा, तो जहाँ जहाँ r है वहाँ वहाँ 2h लगाकर ये सूत्र आपने गुणोत्तर श्रेणी का योग लगाया, यहाँ पर ये वाला आपका सूत्र बना यहाँ पर। अब सिग्मा एन माइनस वन की जगह बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं, एन माइनस वन इंटू एन बटे दो लगाया, एच गुणा किया एच स्क्वायर, दोनों की अलग अलग लिमिट ली, तो इसकी लिमिट यहाँ, इसकी लिमिट यहाँ, एच यहाँ भी गुणा हुआ, एच यहाँ भी गुणा हुआ, तो ये एच यहाँ गुणा होकर यहाँ गुणा होने पर एच स्क्वायर, ई की पावर 2nh माइनस 1, नीचे फिर इसको लिमिट बनाने के लिए e की पावर 2h माइनस 1 के नीचे 2h हमें चाहिए, तो नीचे 2h से भाग दिया तो साथ साथ गुणा भी करेंगे, गुणा करने से ये h और ये h कट जाएगा, और अब ये h एक इसके साथ लगाया एक इसके साथ, तो ये हो गया n इंटू h और ये हो गया n इंटू h माइनस h बटे 2, प्लस अब ऊपर की लिमिट अलग नीचे की लिमिट अलग, तो ये h तो कट चुका था, ऊपर की लिमिट हो गया e की पावर 2 और nh की जगह मान रखा हमने 4 माइनस 1, नीचे की लिमिट ये h कट चुका था ये 2 और इसकी लिमिट e की पावर 2h माइनस 1 बटे 2h, nh की जगह 4 रखा 4 माइनस h बटे 2, इसकी लिमिट लेने पर e की पावर 8 माइनस 1, ये इसकी लिमिट 1 हो गई और ये 2 बाहर आ गया तो 2 इंटू 1, यहाँ इसकी लिमिट ली h, तो h को 0 रखती, 4 चौक 16 बटे 2 यानी 8 आ गया, प्लस यहाँ आया e की पावर 8 माइनस 1 अपॉन 2, एलसीएम लिया 8 दुनी 16 माइनस 1 15 प्लस e की पावर 8 बटे 2, ये आपका उत्तर होगा। तो इस तरह से निश्चित समाकलन योगफल की सीमा के रूप में ये एक्सरसाइज 7.8, ये थोड़ी बड़ी वीडियो जरूर हो गई है, इसे आप चाहे तो टुकड़ों टुकड़ों में देख लेना, रुक रुक के देख लेना, एक साथ नहीं करें तो कोई बात नहीं, लेकिन एक साथ ये कॉम्पैक्ट हो गई, और योगफल की सीमा के रूप में ये सारे क्वेश्चन प्लस इसमें कुछ एग्जाम्पल भी हैं, वो आप कर लीजिए किताब में, इतने सफिशेंट होंगे, और उसके बाद फिर समाकलन विधि से निश्चित समाकलन निकालना अगली एक्सरसाइज में करेंगे, तब तक ये वाला काम पूरा कीजिए। थैंक यू।